अब हम बात करेंगे क्जाई एक्सपेरिमेंट डिजाइनज दैट यूज़ अ कंट्रोल ग्रुप बट नो प्री टेस्ट तो इसका जो पहला डिज़ाइन है उसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन विद नॉन एकवलेंट ग्रुप तो इस डिज़ाइन में जो है आपके पास एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और एक जो है आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है दोनों नॉन रैंडम बेसिस पे जो है वो सिलेक्ट किए होते हैं और इसमें आप एक को ट्रीटमेंट देते हैं और दूसरे को आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते ट्रीटमेंट देने के बाद आप उनकी पोस्ट टेस्ट असेसमेंट कर लेते हैं इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिटर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसमें आप जो है सेलेक्ट करते हैं टू ग्रुप्स ऑफ मदर्स एक को आप जो है आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और दूसरे को आप आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते तो फिर एट द एंड ऑफ द देयर प्रेगनेंसी आप देख लेते हैं कि आयरन सप्लीमेंट क्या सक्सेसफुली उसकी हेल्थ को मेंटेन कर पाए या नहीं कर पाए उसको कंपेयर भी कर लेते हैं हम कंट्रोल ग्रुप के साथ दूसरा इसका डिज़ाइन है पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन यूजिंग एनडी इंडिपेंडेंट प्री टेस्ट सैम्पल तो ये डिज़ाइन जो है इसमें आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं इन दोनों ग्रुप्स के लिए जो आप प्री टेस्ट असेसमेंट करते हैं वो एक आप रैंडम असेसमेंट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन से एक सैम्पल लेके उसकी एक रैंडम सैम्पल सेलेक्ट करने के बाद उससे एक असेसमेंट कर लेते हैं जो कि दोनों ग्रुप्स के लिए आपकी एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है यानी हम जो सब्जेक्ट्स असाइन करते हैं ग्रुप्स को वो लाजमी नहीं है कि वही आपके प्री टेस्ट असेसमेंट उनसे हुई हो बल्कि आप जो है पॉपुलेशन से एक रैंडम सैम्पल सेलेक्ट करके उन से एक आप प्री टेस्ट असेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट डिलीवर करते हैं और फिर पोस्ट टेस्ट असेसमेंट करते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का और इसको हम कंपेयर करते हैं आपने प्री टेस्ट असमेंट से जो कि हमने रैंडमली की होती है थर्ड डिज़ाइन जो है इसको हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन यूजिंग प्रॉक्सी प्री टेस्ट इसमें ये कम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है इसमें आपके पास एक प्रॉक्सी प्री टेस्ट होते हैं जो कि आप इन्फॉर्म नहीं करते रिस्पॉन्डेंट्स को और उनसे सिर्फ आप ऑब्जर्वेशनल मैथड पर जो है एक प्री टेस्ट ले लेते हैं उसके बाद आप कंट्रोल uh, ग्रुप को पोस्ट भी है, उसका ले लेते हैं एक प्रॉक्सी टाइप की और दूसरी तरफ जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट डिलीवर की जाती है और उसमें फिर आप उसका पोस्ट पोस्टेस्ट असेसमेंट करते हैं तो मेन इसमें जो इसका फीचर है वो ये है कि इसमें जो प्री टेस्ट असेसमेंट होती है वो प्रॉक्सी असेसमेंट होती है यानी वो इंफॉर्म्ड असेसमेंट नहीं होती बल्कि वो एक जो है अन इन्फॉर्म्ड असेसमेंट होती है